नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। आज ठाकुर जी का परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी का यह सत्संग 132वां जन महामहोत्सव सीतारामपुर और उसके आसपास के सभी भक्तजनों के साथ मनाया जा रहा है टैगोर इंस्टीट्यूट में। और उस उत्सव में बहुत सारे लोग देवघर से भी आए हुए हैं, आसनसोल दुर्गापुर वगैरह से भी बहुत सारे भक्तजन आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी माताओं का समागम है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस टैगोर इंस्टीट्यूट पे जो यह उत्सव मना रहे हैं, उसमें ठाकुर जी का मूल उद्देश्य है कैसे मनुष्य सही ढंग से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रह सके, कैसे उसमें सौहार्द बने, कैसे उसका प्रेम समाज के प्रति, देश के प्रति कैसे बढ़े। ये सारी कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये उपस्थित होने का मूल एक और कारण है कि जिससे हम में जो भक्तजन है ठाकुर जी का, उनके साथ भी परस्पर प्रेम भाव, उनमें कहाँ कोई कमी है क्या है, इन सारी सभी बातों के लिए भी हम लोग एकत्रित होते हैं इस सत्संग के माध्यम से। और मैं ऋषिकेश मिश्रा यहाँ का एक कर्मी हूँ, ठाकुर जी का एक विशिष्ट कर्मी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक कर्मी हूँ उनका, जिससे मेरे माध्यम से ठाकुर जी का बहुत सा काम जो है वो हर वर्ष होता है। और मैं प्रत्येक दिन आज प्रोग्राम क्या क्या है यहाँ पर, आज आज यहाँ पर प्रोग्राम क्या क्या है उस सत्संग में बहुत सारे जो कलाकार हैं संगीत के माध्यम से अपना गुरु जी का जो सबकी जो मूल बातें हैं, ये सब कलाकार कहाँ से आए हैं? ये सारे कलाकार यहाँ कुछ लोकल भी हैं सीतारामपुर के, कुछ बड़ाकर बीनापुरी आपके आसनसोल यहाँ चित्रंजन वगैरह सारे सभी कलाकार लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और उन सबका एक ही उद्देश्य है ठाकुर जी का 132वां जो जन्म महोत्सव है उसको कैसे हम लोग पालन करें, कैसे मनाएं, कैसे सुंदर ढंग से करें। हाँ, इसीलिए उन लोगों के खाने पीने की विशेष व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर खिचड़ी वगैरह हर दिन बनता है, विशेष जब समागम होता है तो उसमें भात वगैरह बनाना ये संभव नहीं होता, इसलिए खिचड़ी की ही व्यवस्था होती है। ये खिचड़ी का ही प्रोग्राम कितने लोग खाते हैं इसमें? करीब करीब 1000 लोग खाएंगे। बाहर के भक्त जो जो आए हैं, अदर्स जो भी है यहाँ के, यहाँ भी लोकल भी खाएंगे, बाहर के भी खाएंगे, अदर्स के जो है वो भी खाते हैं, वो सारे सारे। ये हर साल आप लोगों का ये प्रोग्राम? हर साल ये हम लोग उस उत्सव को मनाते हैं और उसमें सबको भोजन करवाते हैं हम लोग आनंद विहार। और भी कोई आप लोग का यहाँ का आश्रम है लोकल में? लोकल में आश्रम आसनसोल, आसनसोल में आश्रम है हम लोगों का। और भी कहीं प्रोग्राम है आज आप लोग का? हाँ, आज प्रोग्राम वहाँ नहीं है, वो यही प्रोग्राम हम लोग मैंने भक्तों के सहूलियत के लिए कल वहाँ किया जाएगा, वो 3:30 बजे। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिकेश मिश्रा। अनुकूल ठाकुर की কী অনুষ্ঠান চলছে? এটা হচ্ছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি, জন্মদিবস উৎসব। শ্রী শ্রী ঠাকুরের 132তম জন্মদিবস উৎসব এটা পালন করা হচ্ছে। কী কী অনুষ্ঠান আজকে আপনাদের আয়োজন করেছেন, কী কী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, প্রোগ্রাম কী কী আছে? প্রোগ্রাম হচ্ছে এখানে দীক্ষা হচ্ছে, সবার সঙ্গীত অনুষ্ঠান হচ্ছে, সবাই মিলে আমরা আজকে এই ভজন কীর্তন আনন্দ করে আনন্দ বাজার হবে, ভান্ডারা হবে। ভান্ডারাতে মানে কি খিচুড়ি বা কি খাওয়ানো হবে, কি ভোগ কি হবে? ঠাকুরের ভোগ হবে, ঠাকুরের ভোগের মধ্যে যা হবে, তাল তাল নমি যেহেতু আছে, তাল তালের বড়া হবে, পায়েস আছে। কতজন ভক্তজন খাবেন? আয়োজন কতজনকে করা হয়েছে? এইখানে যে আজ ট্যাগোর ইনস্টিটিউট সীতারামপুর যে এই অনুষ্ঠানটা অনুকূল ঠাকুরের জন্মদিন পালন যে করা হচ্ছে, সেটা ভক্তজন কোথা কোথা থেকে আসছেন? আমাদের সব সারাউন্ডিং আসানসোল যে অঞ্চল আছে, আসানসোল, সীতারামপুর, মিঠানি, বেজদি,
কুটি মহাপুর সীতারামপুর মেন্দমোয়া বিভিন্ন জায়গা থেকে আসানসোল এই টোটাল শিল্পাঞ্চলটার ভক্তজন এখানে এক জায়গায় হয়েছেন। আরো কোথাও আপনাদের আজকে অনুষ্ঠান আছে কি? আজকে অনুষ্ঠান নাই, আজকে আজকে পুরুলিয়াতে না, আমাদের এখানে কোথাও নেই। আপনার নাম দাদা? বিশ্বনাথ সাংহাই। আমি এখানকার সৎসঙ্গ আমাদের কি সীতারামপুর আঞ্চলিক উৎসবের প্রেসিডেন্ট আমি। ধন্যবাদ।